नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए फिर एक नई भर्ती लेके आया हूँ जो कि रेलवे में निकाली जा रही है। दोस्तों, तो ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ रही है क्योंकि आपके लिए निकल कर आ चुकी है रेलवे में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपकी बंपर वैकेंसी। तो रेलवे में आ चुकी है बंपर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की नई भर्ती के बारे में 2023 के, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है, दो नई भर्तियां निकाली गई है। कुल पदों की संख्या पर मैं बता देता हूं दोस्तों, 2350 से अधिक यहां पर पद निकाले गए हैं, जो कि काफी ज्यादा संख्या में पद है दोस्तों। यहां पर आपको सभी को नौकरी मिलने वाली है, जो कि कक्षा 10वीं पास से लेकर 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। अगर आप बिना परीक्षा के में रेलवे में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, अप्लाई कीजिएगा। बट उससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। एक और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इस प्रकार रेलवे भर्ती जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों में, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों बात करते हैं कि आज की नई भर्ती के बारे में। तो भर्ती जो कि रेलवे की तरफ से निकाली गई है साल 2023 की, दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। आवेदन जो कि 2 अगस्त 2023 की चलेंगे, यानी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 2 अगस्त 2023 है। तो दोस्तों 2350 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। भारत के किसी भी राज्य जिले में अगर आप रहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थी यहाँ पर मेल फीमेल लड़के लड़कियां सभी आवेदन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम आपको ऑफिस से यूट्यूब चैनल पर लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे हैं, रेलवे की नई भर्ती है, अंतिम तिथि 2 अगस्त 2023। 10th 12th ग्रेजुएशन सभी पास अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई ना कोई नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अगर नौकरी आपको पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट जॉब कब आ रही है, कब निकाली जा रही है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए एक वो सुनहरा अवसर होगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको देंगे हम स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी वैकेंसी की। और जो भी वैकेंसी आ रही है उसका सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाला। तो दोस्तों बात करते हैं भर्ती की संपूर्ण जानकारियां देंगे आपको, भर्ती में क्या कैसी तैयारी करनी है, किस प्रकार का आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, पद योग्यता, सारी जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों ये कमेंट काफी ज्यादा आते हैं दोस्तों की, यहाँ पर आपको भर्ती के बारे में तो बता देते हो लेकिन अप्लाई कैसे करें, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों। अप्लाई आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो भर्ती की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए, और आपको कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी में वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे की जो वैकेंसी है। दोस्तों नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली गई है दोस्तों। काफी ज्यादा संख्या में पद है यहाँ पर, और आप सभी को यहाँ पर नौकरी लगने के पूरे चांस है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी है, सीधी भर्ती, यानी आपको ओनली फॉर अप्लाई करना है दोस्तों। अगर अप्लाई करने के बाद आपकी किस्मत अच्छी होती है दोस्तों, आपकी नौकरी मिल जाएगी, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बोलूँ दोस्तों, आपको स्टेप फॉलो करते जानी है, आपकी नौकरी आपकी 100% लगने वाली है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आगे बताने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दिया वीडियो की तो आप यहाँ पर नौकरी लगने से चूक जाओगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पूरी संपूर्ण जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट 2023 एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 15 साल तक के यहाँ पर सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 24 साल तक के सभी स्टूडेंट, यानी कि एज रिलेटेड आपको मिनिमम एज यहाँ पर 15 साल मांगी गई, कोई भी स्टूडेंट 15 साल का वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, 24 साल उसकी मैक्सिमम एज रखी गई है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का बात किया जाए तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर उम्र सीमा में छूट आपको नोटिफिकेशन हिसाब से दी जा रही है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कैटेगरी वाइज रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सभी स्टूडेंट को यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जैसे कि 5 साल 10 साल की उसको छूट जरूर दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है, तो आपको एज रिलैक्सेशन जरूर दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारे मैं आपकी इस वीडियो में लेके आया हूं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है, जनरल ओबीसी को यहाँ पर 100 रुपये पे करने, वो कैसे पे करने मैं बता देता हूँ दोस्तों। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से, अगर आप फॉर्म भरते हैं फोन से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई या पेमेंट कर सकते हैं, ई मित्र पर जाके भरते हैं दोस्तों, ई मित्र के माध्यम से आपका पेमेंट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रही। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर रही है यहाँ पर रेलवे वैकेंसी के बारे में। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह जाती है दोस्तों कि मैं यहाँ पर
मैंने 10th पास करके 12th पास करके ग्रेजुएशन है, तो सभी कैटेगरी स्टूडेंट यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्म अप्लाई करूँ, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके इस वीडियो मिलने वाले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप 8th पास है तभी आपकी नौकरी यहाँ पर पड़ी है दोस्तों, आपको बस नौकरी पकड़नी है और लग जानी है, ठीक है दोस्तों। तो आपके यहाँ पर 10th पास है तभी आपको नौकरी सामने खड़ी है, बस आपको पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। और 12th पास ग्रेजुएशन सभी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी सामने पड़ी हुई है, बस आपको उठा के ले जाना है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, कैंडिडेट यहाँ पर स्टूडेंट 10th पास यानी 10th पास मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो 10th पास तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की बात करें तो जिसके पास आईटीआई है उसमें आईटीआई भी जरूरी होता है, आपको पता है दोस्तों, अगर टेक्निकल फील्ड में अगर अप्लाई करोगे रेलवे में तो आईटीआई जरूर मांगी जाएगी, जैसा कि गवर्नमेंट है ओपीसी नोटिस में साफ साफ दे रखा है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल के लाया हूँ। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट अप्रेंटिस की, आप सभी को पता है दोस्तों अप्रेंटिस की पोस्ट किस प्रकार की होती है, इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं होती, इसमें ट्रेड होती है दोस्तों। ट्रेड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप में लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल कराऊंगा, सारी ट्रेड के बारे में जान लेना। अगर आपने ट्रेड कर रखी है दोस्तों, 1 साल 2 साल का डिप्लोमा होता है, अगर आप ट्रेड कर रही है तो आपकी नौकरी यहाँ पर बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्रेड के जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके 5 या 10 नंबर जुड़ते हैं, और 5-10 नंबर जुड़ने के बाद आप बेरोजगार नहीं रह सकते, आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके होना बहुत जरूरी है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, अगर आप ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं तभी जाके अप्रेंटिस में अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास आईटीआई होना जरूरी है। आईटीआई दोस्तों आप पता है कि आईटीआई में ट्रेड होता है, वहाँ भी आपको चूज करना होता है, जैसे कि आप बीटेक करते हैं वहाँ पर ब्रांच होती है, काफ़ी सारी ब्रांचें होती है, इस प्रकार भी आईटीआई में यहाँ पर ट्रेड होती है, तो उसका उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों, अपन इंपोर्टेंट डेट में क्या क्या निकल कर आ रही है, इंपोर्टेंट डेट क्या है, आपके कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है और कब इसकी एग्जाम लगने वाली है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर स्टार्ट डेट यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई से शुरू हो चुके हैं दोस्तों, मैंने फिर एक बार बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म का आपको जरूर भरना है, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। 3 जुलाई को फॉर्म भर चुके हैं, लास्ट डेट यहाँ पर 2 अगस्त यानी दोस्तों लास्ट डेट बहुत नजदीक है, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, आपको फॉर्म भर लेना है। तो दोस्तों फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, अगर आप फॉर्म नहीं भरे तो यहाँ पर नौकरी से चूक सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन या इसी लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रेलवे की साइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लिंक कहाँ मिलेगी इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में जरूर दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट लिंक में क्या है, यहाँ पर अगर अप्लाई ऑनलाइन जो क्लिक यहाँ पर अगर यहाँ जाके क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आपने पूरी डिटेल फिल कीजिएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, टोटल गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ पर इस सारी जो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी जिस प्रकार मैंने आपको बताया, सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे अवेलेबल है, पूरी वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के कमेंट मेरे को नहीं आने चाहिए कि यहाँ पर लिंक कहाँ अवेलेबल करवा रखी है, लिंक देते नहीं हो वीडियो में, पूरा वीडियो बता दे। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, उसके बाद अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैकेंसी समझ आपको फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, कौन सी पोस्ट जानकारी नहीं मिली, कौन से ट्रेड चाहिए, आप कौन सी भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम में सोल्व की जाएगी। और दोस्तों मैं बता देता हूँ प्रत्येक कमेंट का जवाब मैं जरूर देता हूँ, चाहे मुझे टाइम मिले चाहे नहीं मिले, दोस्तों आपका कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा, तो कमेंट करके बता दें। और दोस्तों इस प्रकार की गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की जो सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी की सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर रिलेटेड आपकी बेरोजगारी दूर की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।